वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद शाही। आज हम बनाएंगे उड़द दाल की कचौड़ी, जो बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी बनके ये तैयार होगा। अब हम एक मिक्सी जार में 2 इंच का टुकड़ा अदरक, 4-5 पीस हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून जीरा ऐड करके दरदरा से उसको हम पीस लेंगे। अब उसमें हम दाल को ऐड कर देंगे और दाल को भी हम दरदरा से ही पीसेंगे, बिल्कुल बगैर पानी के हम पीसेंगे। अब हम आटे को गूंद देंगे। आटे में 1/2 टीस्पून नमक और थोड़ा सा अजवाइन हम हाथों से क्रश करके ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये 500 ग्राम आटा है, इसका सॉफ्ट से हम डो बना लेंगे। इस तरीके से बहुत ही जल्दी बन जाने वाली ये कचौड़ी है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक हम दाल में ऐड करके मिक्स कर लेंगे। पूरी के बराबर हम लोई बना लेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करके इस तरीके से अच्छे से इसको हम फिल कर देंगे, कहीं से भी ये निकलने ना पाए। इस तरीके से हम बनाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको हम बेल लेंगे। आप जितना बड़ा छोटा बनाना उसी हिसाब से बना लीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब इसी तरीके से हम सारे बेल लेंगे और आपको फ्राई करके हम दिखाएंगे। साइड चेंज करते हुए लाइट गोल्डन कलर का हम फ्राई कर लेंगे। अब इस तरीके से बनाइए, बहुत सबको पसंद आएगा उड़द दाल की ये कचौड़ी। सभी सब्जियों के साथ अच्छा लगेगा, लेकिन इसका मैच सूरन की सब्जी के साथ एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है। आप इस तरीके से बनाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, कोई गेस्ट आए उनको खिलाइए। देखिए हम साइड चेंज करते हुए इसको हम फ्राई कर लिए हैं। अब आपको हम सर्व करके दिखाएंगे। इसी तरीके से हमने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब इस तरीके से बनाइए, एक बार बनाएंगी सभी को बहुत पसंद आएगा, बार बार आपको बनाने दिल करेगा। आपने हमारे